ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी है और ये मैंने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, एंगल ए का बाइसेक्टर, ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, ये एंगल ए का बाइसेक्टर है एडी। तो एंगल बाइसेक्टर पर ही कहीं ना कहीं इन सेंटर होगा, इन सेंटर अंतः केंद्र। तो आप मुझे बताओ ए आई से आई डी का रेशियो कितना होता है, जवाब दीजिएगा ए आई से आई डी का रेशियो। ये जो इन सेंटर है वो एंगल बाइसेक्टर को दो पार्ट में बांट रहा है, ए आई और आई डी। ए आई से आई डी का रेशियो कितना होता है, तो ए आई से आई डी का जो रेशियो होगा, आपने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा है तो एंगल ए बना, एंगल ए बनाने वाली साइड का सम, एंगल ए बनाने वाली साइड का सम और बटा थर्ड साइड, बी प्लस सी अपॉन ए। ठीक है भाई। इसी तरीके से अगर मैं एंगल बी का बाइसेक्टर खींचता हूं, ये जैसे मैंने बीई खींचा बीई, तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि बताओ बी आई से आईई का रेशियो कितना होगा, जवाब दो आप। तो आपने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा है तो एंगल बी बनाने वाली साइड का, अरे दो रेशियो एक नहीं होता, दो रेशियो एक होता है सेंट्रोइड में, यहां ये आई जो है इन सेंटर है। क्यों नहीं समझते आप लोग, क्या हो गया है पता नहीं भाई, यहां पे ये इन सेंटर है, हद है। बी आई से आई का रेशियो कितना होगा, आपने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचा तो एंगल बी बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट क्या होगा, ए एंगल बी बनाने वाली साइड का सम, सॉरी ए प्लस सी अपॉन बी, ए प्लस सी अपॉन बी आएगा। ठीक, चलिए ये कंसेप्ट अगर आपको पता है तो ये सवाल